प्रयोग जो करता है समझ लीजिए वो बुद्धिहीन है, जो इच्छा है करे। है जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं इस तरह का बात? तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता सब योगी का नहीं है। आप बोलिए आज कल जो है, ये लोग जितना अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। अश्रद्धे आप सोच रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सब हम लोग रहे, कितना हम। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी बहन प्रियंका और मां सोनिया के साथ आखिरी बार बंगले को देखकर भावुक होते नजर आए। साथ ही भारी मन से राहुल ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और बाहर आकर पत्रकारों से रूबरू हुए। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और मानहानि केस में दोषी पाए गए थे। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है भाई, मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल ये जो घर है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने वसुंधरा सरकार में हुए घोटालों की जांच कराने की मांग उठाई है। सचिन पायलट ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तब हमने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे हम सामने लाएंगे, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया था। अब चुनाव से पहले बहुत कम समय रह गया है, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। थे 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा सा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमजोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, पहले कहा गया था कि कोई नेता कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए थे 5 साल। मध्य प्रदेश में रतलाम रेल मंडल के प्रीतम नगर स्टेशन पर सुबह 7 बजे एक ट्रेन में 2 कोच में आग लगने की घटना सामने आई है। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी देते हुए RDRM रतलाम जनीश अग्रवाल ने कहा कि आसपास के फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर पहुंचाया गया, आग पर काबू पा लिया गया है, जल्द से जल्द ट्रेन को ठीक करके रवाना किया जाएगा। वहीं आग लगने के कारण की जांच का भी पता किया जा रहा है, साथ ही यात्रियों के लिए बस और प्राइवेट वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। भगोड़े अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में मौजूद एक गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी। इसी बीच चर्चा थी कि पुलिस ने अपने इनपुट पर उसे पकड़ा है, जिसे गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया। वो ज्ञानी जसबीर सिंह ने सरेंडर की पूरी कहानी बताई है। ज्ञानी जसबीर सिंह ने कहा कि अमृतपाल ने सभी संगतों को धन्यवाद कहने के बाद गुरुद्वारे के बाहर जाकर
खुद ही गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। मोगा जिले का रोड़े गांव जर्नैल सिंह भिंडर वाले का गांव है, इस वजह से ये माना जा रहा है कि अमृतपाल ने बहुत सोच समझकर किसी खास योजना के तहत इस गांव में गिरफ्तारी दी गई है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि तरह तरह के वेश बदलकर छिप रहा था अमृतपाल। ये तस्वीरें हैं जहां गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को पुलिस हिरासत में ले जाया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए अमृतपाल के साथियों की तरह ही अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया जाएगा। इसके लिए उसे फ्लाइट के जरिए असम ले जाया गया। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने 6:45 पर आत्मसमर्पण किया, या कहें कि पुलिस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं सामने उसके मुताबिक गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अमृतपाल ने खुद ही सरेंडर किया है या फिर पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार किया है। तो ये उन्हों पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पेंड नू घेरिया होया सीगा, पर क्योंकि वह गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वह सुप्रीम आ, उन्हों मेनटेन करना सारिया का ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध में जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं है, उस तो बाद गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 से, जिस तरह मैं दस्या NSA के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्हें डिब्रूगढ़ वास्ते जिहड़ा रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का इंटेलीजेंस विंग का, पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपनी जो अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हारमोनी पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हारमोनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में, और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट वहीं अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के CM भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ वो व्यक्ति जिहड़े देश के दुश्मन के हाथ चढ़ के कुछ गैर समाजिक गतिविधियों के शामिल सी उन्होंने फड़ लिया गया, तो अज अमृतपाल सिंह जिहड़े के एक संस्था चलाउंदे सीगे जो कि
आम लोगों के धियां पुतों नूं हत्थां च बंदूकां फड़न दी जां फिर गैर समाजिक जिहड़े काम ने उन्हां नूं करन दी प्रेरणा दिंदे सी उन्हां दी भी गिरफ्तारी होई है। सब तो पहला तो मैं पंजाब दे 3 करोड़ 3.5 करोड़ दे लगभग लोगों का बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने 30-35 दिन दे विच इस जिहड़ा चल रहा सीगा सारा ऑपरेशन बड़ी आपस दे विच भाईचारक सांझ दिखाई कितों भी कोई अणसुखामी घटना का जां फिर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई जिहदे नाल भाईचारक सांझ टुटदी नज़र आवे जां अमन शांति नूं कोई खतरा पैदा होवे। पंजाबीओ तुसीं जिम्मेवारी दित्ती है आम आदमी पार्टी नूं, आम आदमी पार्टी ने मैनूं जिम्मेवारी दित्ती है पंजाब दे विच बतौर मुख्यमंत्री, तां साडा फर्ज बनदा है कि असीं लोकां दे जान माल की राखी करिए। उहदे लई सानूं भावें जिन्ने मर्जी एक्शन लैने पैण, होर कार्रवाइयां करनी पैण, पर किसी बेकसूरे ते नहीं। सो इस करके कानून अपने ढंग नाल चल रहा, कानून अपने हिसाब नाल काम कर गया। मैं चाहना पंजाब दे नौजवानों के हाथ दे विच डिग्रियां होण, उच्च अहुदियां दे नियुक्ति पत्र होण, इंटरनेशनल मुकाबलियां दे गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, ब्रॉन्ज मैडल होण, ते जिथे जाण पंजाबी नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दी बल्ले बल्ले होवे। मैं नहीं चाहुंदा कि पंजाब दे नौजवान किसी बहकावे च आ जाण, जां कोई स्वार्थी लोग जिहड़े देश विरुद्ध कोई मुहिम चला के अपनियां दुकानां चलाउंदे ने, असीं उन्हां दुकानां दे ग्राहक बनीए, उन्हां दे कस्टमर बनीए। सो भाईचारक सांझ बनाउण लई एक वारी फिर बहुत बहुत धन्नवाद है। जो अज वाली कार्रवाई हुई है, मैनूं कल रात इहदी इनफॉर्मेशन आ गई सी, ते मैं पूरी रात नहीं सुत्ता। मैं हर 15 मिनट बाद, हर अद्धे घंटे बाद सीनियर अधिकारियों नाल गलबात फोन ते हर पल पल की जानकारी लैंदा सी। मैं ये भी चाहता सी कि शांतिपूर्वक होवे, बतौर होम मिनिस्टर एंड बतौर मुख्यमंत्री मैं अज तुहाडे नाल इह गल सांझी कर रहा कि 18 मार्च नूं जदों एक्शन होया सी, जे गिरफ्तार उस दिन करना हुंदा तां शायद उस दिन गोली चल जांदी। असीं नहीं चाहुंदे सी कि कोई खून खराबा होवे। जिस दिन अजनाला थाने दे अगे पालकी साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी जिहड़ी उह लैके गए, जदों मैनूं इस बारे DGP पुलिस ने जानकारी दित्ती तां मैं उन्हां नूं सख्त निर्देश दित्ते कि कुछ भी हो जाए, जिस पालकी साहब दे विच गुरु साहब सवार ने, उन्हां दी जिहड़ी सवारी है, उहदे ते पानी का कोई छिट्टा भी नहीं पैना चाहिए, उहदे ते कोई पत्थर रोड़ा डला भी नहीं बजना चाहिए, क्योंकि साडे लई सब तो वध जो मर्यादा है गुरु साहब की, वह साडे लई सब तो अहम है। उस दिन साडे कुछ पुलिस नौजवान जिहड़े ने, पुलिस के जवान, उन्होंने सट्टा भी वजिया, टांके भी लगे सिर दे विच, पर असी गुरु साहब की मर्यादा लई अपना आप वार नूं तैयार हाँ। तो पुलिस मुलाजमान असी शाबाशी भी दी कि तुसी उस दिन बड़ी मुस्तैदी वरती, संजम दे नाल उस हालात का जिहड़ा टाकरा किया और काबू भी किया। सो पंजाब दे विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी है, मैं पहला तो कहिंदा आ रहा कि यह बहुत ज़्यादा मजबूत है। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज़ है,
जिहड़ा भी बीज बीजोंगे इत्थे उग जांदा, पर नफरत दे बीज इत्थे नहीं उगदे ते ना ही असीं उगण देणे ने। आजादी लैके आउण दे विच भी साडी 90% कुर्बानियां ने पंजाब दीआं, ते आजादी नूं संभालण दे लई साडे जवान अज भी सरहदां ते हिक ताण के राखी कर रहे ने। कुछ दिन पहला साडे 4 जिहड़े फौजी जवान योधे साडे जिहड़े शहीद होए ने सरहदां दी राखी। सो पंजाब ने हमेशा देश नूं लीड कीता, भावें उह आजादी का संघर्ष होवे, भावें हरा इनकलाब होवे, और पंजाब हमेशा लीड करता रहूगा। मैं चाहना कि जल्दी पंजाब जिहड़ा है वह विकास के पक्षों, पढ़ाई पक्षों, इंफ्रास्ट्रक्चर पक्षों, तरक्की पक्षों नंबर एक सूबा बन जाए। जदों पंजाब नंबर एक सूबा बन गया देश का, तो साडे देश नूं दुनिया का नंबर वन देश बनाने तो कोई नहीं रोक सकता। सो साडा वहीं करनौ से खबर है जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से एक घर में आग लग गई। आग लगते लोगों में अफरा तफरा मच गई। आपको बता दें कि कई कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुर्भाग्यवश 2 मवेशी, 1 बाइक सहित गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के कचाटीपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर रायबरेली जिले के कान्हा मऊ गांव की है, जहां पर बीती रात अराजक तत्वों ने महिला की दुकान में आग लगा दी, जहां नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि किराना की दुकान समेत पोस्ट मैट्रिक का भी सामान भरा हुआ था। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि उस दुकान में लाइट कनेक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अराजक तत्वों ने महिला की दुकान को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी की घटना में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है, कितनी बुरी तरीके से आग लगी है, कुछ भी नहीं बचा है दुकान में। महिला भी अपने दुकान के सामने हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये घटना रायबरेली की है, जहाँ पर दुकान में अराजक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। पूरी तरीके से दुकान जलकर खाक हो गई है। महिला अपने दुकान के सामने खड़ी है और दुकान का सारा सामान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलकर खाक हो गया है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं भोपाल के बैरसिया में भगवान परशुराम महोत्सव के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा सांवलिया मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर मानस भवन बस स्टैंड पहुंची, जहां पर भगवान परशुराम पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद महाआरती की गई। बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण भगवान परशुराम की शक्ति की अक्षय नहीं होती है। शौर्य यात्रा में सड़कों पर उमड़े जन सैलाब, डीजे और ढोल की धुन पर लोग इस दौरान थिरकते हुए भी नजर आए। यहाँ पर हम बैरसिया क्षेत्र में कथाओं में, भागवत कथा में, राम कथा में, जो व्यासपीठ में हमको नमन करते आए, एक साथ सारे संत हमको यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। बड़े खुशी की बात है। और भगवान परशुराम के विषय में तो जो मैंने पढ़ा है कि महाभारत में और विष्णु पुराण के अनुसार जब उनको शंकर भगवान जी ने परशु प्रदान किया था तो उनका नाम परशुराम हो गया। वैसे उनको राम कहकर ही बुलाते थे। और राम और वहीं भगवान परशुराम जन्म महोत्सव पर देवभोग क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज ने अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। सर्व ब्राह्मण समाज सदन पर वैदिक पूजा अर्चना के साथ शाम को जगन्नाथ मंदिर परिसर से भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया गया और शोभा यात्रा के दरमियान जोरदार आतिशबाजी के साथ जयकारे से नगर गूंज उठा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षय तृतीया के मौके पर
भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इस वजह से इस दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की गई। वहीं हापुड़ में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण की 11 मई को जनपद में चुनाव होने वाले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर ठेकेदार श्रीपाल सिंह की पत्नी पुष्पा देवी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को SSV कॉलेज में बहुजन समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद की प्रत्याशी पुष्पा देवी ने नामांकन से पहले कैंप कार्यालय लज्जापुर में सर्व समाज की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद रहीं। हम जनता के बीच में सब समाज का जनता के हित का काम करेंगे और विकास को पूरे शहर में विकास की लहर करेंगे और एक भी शहर में पूरे शहर में कहीं भी गड्ढा या सड़क का मुक्त कर देंगे, नई रोड बना के देंगे। मुकाबला किससे मान के हमारा मुकाबला नहीं है, हमें तो जवाब हमारा किससे मुकाबला नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।